Assalamu alaikum my YouTube family, hope you all are fine. By the grace of Allah, today we are making Alfredo pasta. Without any delay, let's get started. सबसे पहले हम वेजीज को कट कर लेंगे. 3 मीडियम बेल पेपर ले लेंगे और उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे. इसी तरह चॉप कर लेंगे अनियन को, और लहसुन की सिर्फ 2 जवें ही चाहिए, उनको भी चॉप कर लेंगे. ठीक है, इसके अलावा आप दूसरी वेजीज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फेवरेटिज्म मैं सिर्फ कैप्सिकम ही यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, अब हम पास्ता वाले का पास्ता यूज़ कर रहे हैं, और हमने नई नई प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ करते हैं अपने चैनल पे, तो ये आज हम पास्ता वाले का पास्ता ट्राई कर रहे हैं. वैसे हम बिग बॉयलर यूज़ करते होते हैं, तो इसको हम बॉयल करने रखेंगे, और पहले तेज़ आंच के ऊपर और उसके बाद फिर लो फ्लेम पे आप लिड को ढक कर फ्राई उसको बॉयल दे देंगे. इतने में हम अपना पैन रेडी करेंगे, ग्रीस करेंगे और उसको थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि गोश्त चिपक ना जाए पैन में, और इतने में हमारा जो पास्ता है वो बॉयल हो गया, रेडी हो गया. तो इट्स रियली रियली क्विक, वो हमें अच्छा लगा. उसके बाद हमने उसको साइड पे कर दिया, और यहाँ पे अपने चिकन की तरफ आए, उसको हमने एक दफ़ा स्टर फ्राई किया, और इसमें आपने अपना गार्लिक लहसुन और जो हमारा जिंजर है उसका पेस्ट, और रेड क्रश्ड चिली एंड क्या कहते हैं ब्लैक पेपर को क्रश करके डाला है, और हमने उसको ढक के कवर करके इसको हमने पका लिया. जैसे ही हमने इसको कुक कर लिया, तो अब हम इसको साइड पे करेंगे. देखें कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर आया है फ्राई होके, तो ये हमने साइड पे रख देना है. पास्ता आपका रेडी हो गया, चिकन आपका रेडी हो गया. सेम पैन को यूज़ करते हुए अल्फ्रेडो सॉस रेडी होगी. अल्फ्रेडो सॉस को रेडी करते हुए हमने सबसे पहले चॉप किया हुआ लहसुन लाइट ब्राउन फ्राई करना है. हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने देना है. मेरे से ये थोड़ा ज़्यादा फ्राई हो गया था, तो आप ज़्यादा फ्राई ना इसको कीजिएगा. हमने इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया. टोटल 3 टेबलस्पून बटर हम यूज़ करेंगे, और हम इसको पीरियोडिकली आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे. फर्स्ट हमने टेबलस्पून इसमें डाल दिया हुआ है, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करना चाहेंगे दूध. ठीक है, नमक और चीनी के बाद हमने इसके अंदर दूध ऐड करना था, लेकिन हमने पहले इस टाइम पे वेजीज कर दी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्रंच वेजी का पसंद नहीं है. लेकिन आप लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, पहले सॉस रेडी कर लें एंड देन आप वेजीज, उसमें क्रंची क्रंची रहेंगी बहुत ज़्यादा. तो अगर आपको वैसे पसंद है तो वैसे कर लें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे किया था. अब हमने इसमें गार्लिक भी थोड़ा सा ऐड किया है, थोड़ा सा हमने इसमें चीनी नमक ऐड किया है, और इसके अलावा हमने इसमें अनियन पाउडर ऐड किया है 1.5 टेबलस्पून. अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारे फ्लेवर्स को इन्हांस करता है. अब हमने उसके बाद जैसे हमने ये मसाले डाल दिए थे, तो उसके बाद हमने प्याज डाल दी और वाइट पेपर डाल दी, और दूध हम पीरियोडिकली डालते जा रहे हैं, सो दैट एक थिक सा टेक्सचर जो है वो फॉर्म हो जाए, जैसे अल्फ्रेडो सॉस में होता है. उसके बाद जनाब बटर हमने 1 टेबलस्पून फिर ऐड किया है, और आई गैस मेरे से फिर से 1 टेबलस्पून मिस हो गया है बटर का, जो ऐड किया था वो फिल्म करना मैं भूल गई हूँ. तो उसके बाद हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें ऐड करते जाएंगे. जैसे हमने कैप्सिकम ऐड की, और हमने 3 स्लाइसेस ऑफ शेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो ऐड करें. यहाँ हमने मोज़रेला चीज़ यूज़ की है, सही है. तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम देखें, ये सॉस जो है वो टेक्सचर इसका रेडी हो रहा है. सॉस वाला टेक्सचर जो है वो थिकनेस थोड़ी थोड़ी आ रही है. हमने इसको इस तरह से ही चीज़ आहिस्ता आहिस्ता करके यूँ डाल रहे हैं, क्योंकि हम इसको लाइटली फॉर्मेशन की तरफ लाएंगे. चीज़ ने मेल्ट होना है, एकदम से हम सारी चीज़ डाल देंगे तो वो मेल्ट नहीं हो पाएगी. तो ये छोटी छोटी टिप्स थी जो मैंने आपको साथ साथ दे दी. आपने साथ में टेस्ट भी करते जाना है इसको, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसके अंदर नमक एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने किया.
और इसकी कंसिस्टेंसी रेडी हो गई है। जब ये इस तरह का लगने लगे तब आपने इसमें पास्ता ऐड करना है, और अगर कोई आपने मतलब वेजीज पहले ऐड नहीं की तो आप इस टाइम ऐड कर लें। तो ये भी आपके लिए एक मज़ेदार सा क्रंची सा रेडी हो जाएगा। अब ये जब मैंने पास्ता ट्राई किया ना तो इसका टेक्सचर इतना मज़े का था, इतना ये जल्दी फॉर्म बन गया इसकी और इतनी जल्दी ये पक के तैयार हो गया, और जब मैंने इसे खाया है तो ये बहुत मज़े का था। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके ऊपर चिकन ऐड कर लिया। जब हमने प्लेटिंग करनी है तब भी हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चिकन ऊपर टॉप पे से ही आएगा।